हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एप्लीकेशन लिख करके सर्च कीजिए और इसे कर लीजिए डाउनलोड। यहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब कुछ फ्री में मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हेनरिटा लैक्स को सम्मानित किया गया। बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा? तो वो है तमिलनाडु। दुनिया में अगर पहले देश के बारे में पूछा जाए तो आप क्यूबा बताएंगे। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रिपोर्ट में भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन बनी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया गया। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या कहें एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी। तो इस बार इसका 37वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1984 में हुई थी। जब 1984 में दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था ना, जब अमृतसर में गोल्डन टेंपल में वहाँ का विद्रोह को दबाने के लिए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, तो उसी टाइम पर इसका गठन किया गया था। और इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट आगे चल करके हुआ 1986 में, उन सब में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाया। और अभी आप देखो 2008 का जो हुआ था, ताज होटल पर जो हमला हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था, उसमें भी एनएसजी कमांडो ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो एनएसजी कमांडो जो होते हैं इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसका मोटो क्या होता है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, मोटो भी पूछे जाते हैं। तो ये होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इंग्लिश में इसका कहेंगे ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है तो आप याद रखेंगे। वर्तमान में महानिदेशक हैं MA गणपति जी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग नाम का एक मेगा अभियान शुरू किया है, मेगा कैंपेन शुरू किया है प्रशासन गांव के संग। अब देखिए इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो राजस्थान का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला डिपार्टमेंट है, वो गांव-गांव तक जा करके, खास करके जो दूरस्थ स्थान पर जो गाँव हैं जहाँ तक पहुँच प्रशासन की बहुत कम है, तो ऐसे एरिया में ऐसे गाँव में जा करके सरकारी सेवाएँ पहुँचाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो लगभग हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, 22 विभागों के अधिकारी जो स्थानीय प्रशासन के होंगे वो वहाँ पर जाएंगे। तो प्रशासन गांव के संग नाम का कैंपेन इसीलिए शुरू किया गया है। अब राजस्थान आया है। राजस्थान देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं CM। कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं आकिल कुरैशी। यहाँ की झीलों के बारे में बात करें तो पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, पिछोड़ा झील है, फतेह सागर है, जयपुर से जयसमंद आपको याद रखना है, इसके अलावा सांभर झील आपको याद रखनी है, इसके अलावा डीडवाना झील आपको याद रखनी है। इतनी झीलें आपको राजस्थान से याद रखनी है, ठीक है, डीडवाना, सांभर, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, पिछोड़ा, फतेह सागर। नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव, घाना पक्षी विहार, ये सब यहीं पर हैं। अच्छा, अभी दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, याद होगा ना आपको, अभी बताया था मैंने कुछ दिन पहले ही, ये राजस्थान का चौथा था, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। और भारत में अब हो चुके हैं 53 टाइगर रिजर्व। 53वां कौन सा है? 53वां छत्तीसगढ़ का है, गुरु घासीदास। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, रामगढ़ विषधारी और गुरु घासीदास। इसके अलावा लोक नृत्य में बात करें तो घूमर है, पनिहारी, कालबोलिया, ठीक है। चलिए राजस्थान अपना बॉर्डर किसे किसे शेयर करता है क्विकली देख लीजिए, तो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है।
ये पाकिस्तान जो है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर राजस्थान से ही शेयर करता है भारत में राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया गया और प्रदानकर्ता थे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इसके तहत दोस्तों 40 विजेताओं को डेयर टू ड्रीम 2.0 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। और 16 ऐसे वैज्ञानिक, 16 ऐसे साइंटिस्ट जो 35 वर्ष से कम उम्र के थे, इनको 2019 के लिए DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार या कहें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद रखना है, ये जो 40 विजेता थे डेयर टू ड्रीम वाले, इनमें 22 इंडिविजुअल्स थे और 18 ऐसे स्टार्टअप्स को चुना गया जिनको अवार्ड दिया गया है। क्लियर? DRDO के द्वारा दिया गया है। तो DRDO का नाम, DRDO के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 को हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। रिवीजन की बात करें तो दोस्तों अभी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, इस बार 11 व्यक्तियों को दिया गया है, 11 साइंटिस्टों को दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ला नूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीत लिया है पी एनियन ने। पी एनियन दोस्तों ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ था स्पेन के वालेंसिया में, ला नूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट, चेस का ये टूर्नामेंट होता है, तो इन्होंने जीत लिया है भारतीय ग्रैंड मास्टर पी एनियन ने। इस पे पुरस्कार प्राइज मिला था 2500 यूरो का, 2500 यूरो मतलब होता है 2,18,400 के आसपास। अभी शतरंज से ही रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आए थे, जैसे अभी कल की वीडियो मैंने बताया था आपको दिव्या देशमुख के बारे में, दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और ओवरऑल 71वीं ये ग्रैंड मास्टर हैं भारत की, ठीक है, 15 वर्ष की इनकी उम्र है। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले डी गुकेश जो कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने नार्वे शतरंज ओपन जीता था, तो नार्वे शतरंज ओपन 2021 डी गुकेश ने जीता है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। उनसे पहले अभी 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक, और अभी विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत दोस्तों 0-2 से फाइनल हार गया था और सिल्वर मेडल मिला था भारत की टीम को विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में। एक और क्वेश्चन आया था वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से रिलेटेड, उन्होंने दोस्तों मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज का टूर खिताब जीता था, मेल्ट वाल्टर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, ये जो था ये ऑनलाइन देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाने वाला ये गेम बना था, मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता था। क्लियर? ये वर्ल्ड चैंपियन है। चलिए, इनको अभी ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया था मास्टर कार्ड ने, याद होगा आपको बताया गया था। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर विवेक लाल जी को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, यानी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और इनको अभी हाल ही में दुबई के रिटोसा फैमिली समिट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? इनको दोस्तों आउटस्टैंडिंग विजन, डेडिकेशन और सक्सेस के लिए सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों भारत और अमेरिका के जो डिफेंस डील है उसको कई बार ये बहुत अच्छे से डील करवाए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ और भी देशों के बीच में जो डील हुई है उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए, इनकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ या कहें कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये इमेज में आपको जो दिख रहे हैं यही हैं सहदेव यादव, ये पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, तो इनको अगले 4 वर्षों के लिए अब नियुक्त किया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष। अच्छा, इन्हीं के साथ में SH आनंदी गौड़ा को महासचिव इस बार का नियुक्त किया गया है और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वेटलिफ्टिंग से याद रखिएगा दोस्तों, इस बार वेटलिफ्टिंग में भी इंडिया को ओलंपिक में मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, मीराबाई चानू ने दिलाया था। अगला, हाल ही में किस भारतीय ने चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता को जीता है भवानी देवी ने। भवानी देवी नाम तो याद होगा आपको, स्पेंसर तलवारबाज भवानी देवी, जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में भारत में सभी लोगों का दिल जीत लिया था, भारत ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ओलंपिक में
फेंसर भी नाम का कोई ऐसा गेम होता है, तलवारबाजी भी ऐसी कोई गेम होती है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन भवानी देवी ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हालांकि मेडल नहीं जीत पाई थी ये, लेकिन मैच जरूर जीती थी। और मैच जीतने वाली या कहें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली ही ये ओलंपिक में पहली खिलाड़ी बनी थी भारत की, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुए चार्लेबिल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है एक व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में। ओके, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये क्वालिफाई कर गई थी और पहली बनी थी भारतीय। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी ऑफर चल रहे हैं, कूपन कोड अगर आप हिंदी 50 यूज करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हिंदी के वीडियो कोर्सेज में। हिंदी का वीडियो कोर्स 299 की जगह पर अभी आपको 149 पर मिल रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। आप चाहे UPSI की तैयारी कर रहे हो, RO, TET, लेपाल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो कोर्स है। हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, PDF फाइल डिटेल में दी गई है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं MZT ऐप पर। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है आपका, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अभी हाल ही में सैफी किदवई ने। सैफी किदवई दोस्तों एक जाने माने लेखक हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन। इस पुस्तक में इन्होंने सर सैयद अहमद खान जी के बारे में बताया है जो कि एक इस्लामिक समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे और शिक्षाविद हुआ करते थे, ठीक है। तो इनकी 204वीं जयंती थी अभी, तो उस 204वीं जयंती पर यह पुस्तक लॉन्च की गई प्रोफेसर सैफी किदवई के द्वारा लिखित। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी हैं। अच्छा, अब रिवीजन की बात आती है। पिछले दिनों में कई पुस्तकें आई थी जिनका रिवीजन हमें कर लेना चाहिए, जैसे अभी द नटमक कर्स नाम की पुस्तक जो अमिताभ घोष जी की है, ये भी रिलीज हुई। इन्हीं की एक और पुस्तक का अभी ऑडियो संस्करण लॉन्च किया गया था, जंगलनामा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान सुजीत सरकार की आई थी, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार की, रजनीश कुमार जी SBI के पूर्व चेयरमैन, इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव की आई थी, और इंदिरा नोई जो कि पेप्सिको की पूर्व CEO हैं, इनकी पुस्तक आई थी माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री YS येदियुरप्पा को, किसे? YS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने अभी तक कोरोना वॉरियर पुरस्कार सुना होगा, ये सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से ये कर्नाटक के CM हुआ करते थे, अभी तो वर्तमान में बसवराज एस बोम्मई है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो अब बसवराज एस बोम्मई नए CM बन गए हैं कर्नाटक के। फिलहाल BS येदियुरप्पा दोस्तों ये कोरोना महामारी के दौरान उसको रोकने में, कर्नाटक में फैलने से उस पर कंट्रोल पाने के लिए, काबू पाने में इनका जो भी प्रयास रहा, जो भी योगदान रहा, उसके लिए इनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेचारे इसी के चक्कर में 2 बार कोरोना संक्रमित भी हो गए थे, तो इनको अब सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों रश्मिका मंधाना, नेशनल क्रश रश्मिका मंधाना। इन्होंने साउथ इंडियन में यश को, सामंथा को, विजय देवरगोंडा को, इन जैसे स्टार को पीछे छोड़ दिया है और रश्मिका मंधाना बन गई हैं फोर्ब्स इंडिया की सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की लिस्ट में आ गई हैं टॉप पर, ठीक है। रश्मिका मंधाना देखिए 9.88 रेटिंग है फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में, बाकी सभी एक्ट्रेस की यहाँ पर लिस्ट है। ये बेसिकली साउथ स्टार हैं, ठीक है, साउथ एक्शन मूवीज की ये स्टार हैं। तो रश्मिका मंधाना ये टॉप पर आ गई हैं। अभी इनसे रिलेटेड कुछ महीनों पहले एक क्वेश्चन आया था कि इनको मैकडोनाल्ड्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। फोर्ब्स एजेंसी दोस्तों अपनी लगातार लिस्ट वगैरह जारी किया करता रहता है, तरह तरह की लिस्ट जारी करता है। जैसे अभी फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो सैमसंग, IBM और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 कंपनियां सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर बनी थी कंपनी। भारत के लिए भी इसने लिस्ट जारी की थी, भारत की 3 सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनियां बनी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और HDFC बैंक। इसके अलावा फोर्ब्स ने टॉप 100 richest person इन इंडिया लिस्ट जारी की थी, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप पर मुकेश अंबानी पिछले 14 सालों से बने हुए हैं।
इसके अलावा सेकंड पर गौतम अडानी है और थर्ड पर शिव नादर है। तो ये सभी लिस्ट जो है फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी एक बार इसने बताया था कि दिल्ली जो है वो प्रति वर्ग मील में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में नंबर वन पर है। ये भी फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको समय समय पर रिविजन करना होगा। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। टॉप 10 का करंट अफेयर का क्वेश्चन ये था आज का, कैसी लगी है बताइए कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास। इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैंने कल कहा था ना आपसे कि शॉर्ट वीडियो के लिए नेशनल पार्क वगैरह करके हर एक राज्य का नेशनल पार्क लोक नृत्य का शॉर्ट वीडियो आना शुरू होगा, तो वो वीडियो सब आज से आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके कल सजेस्ट किए कि बिल्कुल शुरू किया जाए, तो आज से ये शुरू हो जाएंगे। आज से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो इसी वजह से आपको शॉर्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा और फीड को चेक करते रहना होगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं लिंक भेज दिया करूँगा, तो आपको वहाँ से मिल जाया करेगी वीडियो। एक एक राज्य करके आप एक एक मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था ट्रिक वगैरह बनाने की, कई राज्यों की ट्रिक भी बन गई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अच्छी अच्छी ट्रिक भी नई नई आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य गश्त के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? और किस राज्य ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की थी? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर वन लाइनर पीडीएफ भेजी जाती है, साथ ही साथ कब लाइव होना है, कब लाइव क्लास होगी, कैसा क्या होगा, सब कुछ नोटिफिकेशन वहीं पर भेजा जाता है। तो आप टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन लेकर के सर्च करो और ज्वाइन करो ग्रुप हमारा। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।